क्या आप लोग भी कंप्यूटर में चलने वाला एमएस पेंट, कंप्यूटर में चलने वाला नोटपैड, कंप्यूटर में चलने वाला वर्ड पैड को अपने मोबाइल में चलाना चाहते हैं? यानी कि क्या आप लोग भी अपने मोबाइल में, जो कि हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज करते हैं एमएस पेंट, नोटपैड और वर्ड पैड को, क्या आप लोग भी अपने मोबाइल में चलाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल में कंप्यूटर और लैपटॉप में चलने वाला एमएस पेंट, नोटपैड, वर्ड पैड को कैसे आप लोग अपने मोबाइल में चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह के टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल में लैपटॉप और कंप्यूटर वाला एमएस पेंट, नोटपैड एंड वर्डपैड को चला सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च वाले जगह में आपको लिखना है Win7Simu, ठीक है, Win7Simu लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिख करके सर्च कर दिया है। तो देखिए आपके सर्च रिजल्ट में जो कुछ भी आएगा तो आपको देखिए ये फाइंड करना है, Win7Simu लिखा हुआ और विजनलाइज ऐसे करके लिखा हुआ उसके नीचे, और इस आइकन वाले को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, फाइंड करके। और वैसे मैंने इस ऐप का लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहां से भी टच करके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए मेरा यहां पे इंस्टॉल लिखा हुआ है, तो चलिए मैं इसे यहां से टच करके इंस्टॉल कर लेता हूं, तो आप लोगों को भी इंस्टॉल कर लेना इसे। तो देखिए जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे प्ले देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्ले देखने को मिल जाएगा जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस प्ले पे आपको टच कर देना है। तो जैसे इस प्ले पे टच कीजिएगा तो ऐसा कुछ स्क्रीन आपके सामने आएगा, यानी कि ये ऐप जो है स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वेट करना है इसको स्टार्ट होने तक। फिर आपके सामने कुछ ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको वेट करना है। फिर यहाँ पर देखिए ब्लैक स्क्रीन के बाद आपको लिखा देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ स्टार्टिंग विंडोज, ठीक है, तो यहाँ भी आपको थोड़ा देर वेट करना है। तो देखिए फिर आपके सामने ऐसा कुछ स्क्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहां पर इस आइकन पे आपको क्या कर देना है, टच करना है, ठीक है। तो चलिए मैं टच करके दिखाता हूं। तो यहां पे देखिए मैंने यहां पे टच कर दिया है, और ये देखिए मेरा मोबाइल जो है बिल्कुल कंप्यूटर बन चुका है। तो इस तरह से आप लोगों को भी आपका मोबाइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बिल्कुल मोबाइल जो है कंप्यूटर बन जाएगा, आप लोग देख पा रहे, और यहां पर सब कुछ कंप्यूटर के जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहां पर कंप्यूटर है, यहां पर देख पा रहे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये कंप्यूटर, ये रिसाइकल बिन है, और यहां पर स्टार्ट बटन है, इधर नोटिफिकेशन एरिया है। तो सब कुछ कंप्यूटर के जैसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप कंप्यूटर पर अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं, डबल टैप करते हैं, तो कंप्यूटर जैसे हम लोग के ये में खुलता है, कंप्यूटर में खुलता है, तो वैसे सारा कुछ खुल जाएगा। यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, अलाउ आपको कर देना है। तो देखिए बिल्कुल कंप्यूटर के जैसा यहाँ पे सब कुछ ड्राइव वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नोट पैड वगैरह, एम एस पेंट वगैरह आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट बटन जो है यहाँ पे नीचे में, ठीक है, तो इस स्टार्ट बटन पर आपको क्या करना है, टच करना है। जैसे स्टार्ट बटन पर आप टच कीजिएगा तो यहाँ देखिए स्टार्ट मेन्यू आपके सामने, यानी एक लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ नीचे में, तो इस ऑल प्रोग्राम पे आपको टच करना है, तो ये लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, ऐसा कुछ लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नोट पैड फाइंड करना है, एमएस पेंट जो भी ओपन करना है, या वर्ड पैड। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेंट, यहाँ पे देखिए पी लेटर वाले में, यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे पेंट लिखा हुआ है ओपन कैमरा से नीचे, ठीक है। तो इस पेंट पर मैं टच करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने इस पेंट पर टच किया, देखिए यहाँ पर कंप्यूटर वाला जैसा ओपन होता है पेंट, एमएस पेंट वैसा ओपन हो गया। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ बीच वाले बटन से, ठीक है। ये इस पेज को यहाँ पर नीचे जो एरो दिया हुआ है इसको पकड़ करके आप ड्रैग कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं। तो देखिए ये वाइट पेज आ गया, और यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं एक शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये मैंने कर लिया है। चलिए मैं इस पर कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कलर फिल इसमें हो गया। तो बिल्कुल हम लोग कंप्यूटर के जैसा जो एम एस पेंट यूज करते हैं बिल्कुल यहाँ पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्लोज बटन से क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए क्लोज बटन ऊपर है, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, मैं आपको वर्ड पैड ओपन करके दिखाता हूँ। तो वर्ड पैड डब्ल्यू लेटर से मिलेगा, यानी ये नीचे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर से पहले है वर्ड पैड, तो मैंने इस वर्ड पैड पर टच कर दिया है। फिर चलिए मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं मैक्सिमाइज वाले पे टच कर दिया, तो ये देखिए कंप्यूटर वाला जैसा वर्ड पैड ओपन होता है यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप टच कीजिएगा, आपका कीबोर्ड भी आ जाएगा मोबाइल का, यहाँ पर जो कुछ आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्ड पैड को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसे भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब चलिए मैं नोट पैड आप लोगों को दिखाता हूँ, तो एन लेटर से ये मिलेगा नोट पैड। तो चलिए मैं आपको नोट पैड ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे माई जियो से नीचे नोट पैड लिखा हो, तो इस नोट पैड पर मैं टच करता हूँ, देखिए नोट पैड ओपन होकर के आ गया है, ये मैंने मैक्सिमाइज कर लिया। यहाँ पर भी कीबोर्ड टच करने से आपका ओपन हो जाएगा,
तब जो कुछ यहाँ पे लिखिएगा ये सारा कुछ लिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में चलने वाला, कंप्यूटर और लैपटॉप में चलने वाला एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड को आप बहुत इजीली चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी टाइप करके उस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो बिल्कुल आप अपने मोबाइल को एकदम कंप्यूटर के जैसा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल में एमएस पेंट, नोटपैड और वर्डपैड को यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में यही सारा कुछ था, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।